सुश्री प्रणिती शिंदे जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर बात करने के लिए मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन चार शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमज़ोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूर वीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके, मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा, और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाया रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी, और वो थी सामाजिक एकता की। धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था, और मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है। पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूँगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है, और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है, या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियाँ की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है, सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नज़रों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा, उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी
अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंत प्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंत प्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, 2,000 रुपये दिए जाते हैं लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको GST के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1,00,000 के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपये देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का? 6,000 रुपये देते, 18,000 रुपये GST के माध्यम में से लेते हो। जब UPA की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और हजारों पे से GST एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपये के का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंत प्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंत प्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गौठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि गाँव में गौठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गौठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको पीएम आवास योजना देंगे। अभी गौठान जमीन लाएंगे कहाँ से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गौठान जमीनें हैं गाँव में उनको गौठान करके पंत प्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपये इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत तुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000 दिए जाए पंत प्रधान आवास योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10,00,000 से लेके 20,00,000 की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिश ये BJP के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था, सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेर नहीं पाए उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेर करने का कर्जा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स जो दिए जाते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बीडी कामगारों को, पावर लूम वर्कर्स को दिए जाते हैं, हमारी काफ़ी सारे महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स पे के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, इसीलिए ये बेहिसाब इंटरेस्ट इन लोगों से, गरीब लोगों से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के बजट के स्पीच में हमारी अन्न धान्य सुरक्षा योजना जो है, अन्न सुरक्षा योजना जो यूपीए सरकार ने लाई थी, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले 10 साल से हमारे देश का जो गरीब है उसको एपीएल कार्ड धारक को अन्न धान्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 10 साल से करोड़ों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और जैसे शैलजा जी ने कहा था, कुपोषण का प्रमाण जो है हमारी देश में बढ़ रहा है। गरीब लोगों से जानबूझ के एक फॉर्म, गिव अप सब्सिडी फॉर्म, जानबूझ के भरा जा रहा है उनको, बिना बताए कि अगर ये फॉर्म आप भरेंगे तो आपकी फूड सब्सिडी कट हो जाएंगी। ये जबरदस्ती उनसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि उनको इस योजना, जो कि कांग्रेस की योजना थी, उसका लाभ न मिले, और इसके वजह से ढेर सारे लोग भूखे हमारे देश में मर रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये गुजारिश करती हूँ कि एपीएल कार्ड धारक को तुरंत इस योजना का लाभ मिला जाए और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको धान मिला जाए। अध्यक्ष महोदय, कल के स्पीच में आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया, मुझे उस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, पर महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों? क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्यों? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, या शायद उनको अंदाज़ा आया कि आने वाले इलेक्शन में, कि शायद उनको अंदाज़ा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हारने वाले हैं। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव महाराष्ट्र में रखी गई थी। कणखर देशा, राकट देशा, दगड़ाचा देशा, महाराष्ट्र देशा, ये हमारे प्यारे महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है, लेकिन अफसोस है कि महाराष्ट्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, रेलवेज के बारे में बोलूं तो रेलवेज में स्लीपर कोच की संख्या जो है वो कम कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की संख्या बढ़ा रहे हैं। देश का जो आम गरीब आदमी है वो स्लीपर कोच से ट्रैवल करता है, वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम में से, मेडन स्पीच माध्यम में से गुजारिश करती हूँ कि स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी शोलापुर के कुछ मांगे रखती हूँ और मैं समाप्त करती हूँ। हमारे शोलापुर में एयरपोर्ट है लेकिन एयर सर्विस नहीं है। उड़ान स्कीम में आया गया है लेकिन जानबूझ के वहाँ पे जो चिमनी थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, वो तोड़ा गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे एयर सर्विस शुरू नहीं है। बोरामनी एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फंड्स एक बार दिए गए लेकिन फिर फंड्स नहीं दिए गए। मैं वित्त मंत्री से गुजारिश करती हूँ कि बोरामनी एयरपोर्ट के लिए फंड्स दिए जाए। मंगावेड़ा जो हमारा तालुका है, वहाँ पे जो इरिगेशन स्कीम है, वहाँ के 35 गांव जो है वो पानी से वंचित है। मैं विनती करती हूँ कि वो गांव के लिए भी आप इरिगेशन स्कीम जल्द से जल्द अप्रूव करें। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवहेलना कर रही है कि हमें इतनी सीट्स मिली, जनता ने अस्वीकार किया, पर आपके 400 पार का क्या हुआ? पर मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम स्वीकार करते हैं कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट्स नहीं जीत पाए। हाँ, हम हमारी बातें जनता को बेहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए। और आखिरी कुछ शब्द कह के मैं समाप्त करना चाहूँगी कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।